हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटर ड्रॉ करनी है डियर, डी ई ए आर, दैट इज डियर। और आपको साइड डी ई ए आर दी हुई है और दो एंगल्स गिवन है। अगर हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम लोग इस तरीके से चलते हैं क्लॉक वाइज, तो इट विल बी लाइक दिस डियर। तो हमें डी पता है 4, ई ए पता है 5, ए आर पता है 4.5, ई और ए ये दो एंगल्स हमें पता है, दैट इज 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखिए, आप लोग स्टार्टिंग जो है वो डी ई ई ए या आर ए किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ई ए से, क्योंकि हमारे पास दोनों एंगल्स गिवन है, ए का भी और ई का भी, तो हमें क्वाड्रेटर ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। इन साइड से क्वाड्रेटर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे और भी कैसे किसी पॉइंट पे आके हम लोग अटक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट आप लोगों को ए ई ड्रॉ करनी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ई ए हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे लाइक दिस। यहां पे रख के कंपास 60 डिग्री, फिर यहां पे रख के कंपास 120 डिग्री, फिर यहां पे कंपास रख के और फिर यहां पे रख के लाइक दिस इंटरसेक्ट हम लोग करेंगे और इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर दोगे। तो आपके पास डी ई ए आर यानी कि ए से आर का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कंपास को यहां पे रखोगे, 4.5 खोलोगे और लाइक दिस इंटरसेक्ट कर दोगे। तो दिस इज पॉइंट आर। E पर हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री बना हुआ है। यहां पे कंपास रख के एक आर्क लगा दो, जितने आप कंपास खुला हुआ है यहां पे रख के एक आर्क इंटरसेक्ट कर दोगे एंड लाइक दिस ज्वाइन कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे। अब E से लेकर D तक की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये थी हमारे पास 4.5। तो यहां पे कंपास रखेंगे, 4 सेंटीमीटर खोल के लाइक दिस इंटरसेक्ट कर देंगे, दिस इज पॉइंट डी। अब डी और आर को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, डी ई ए आर डियर। ये क्वाड्रेटर आप लोगों के पास तैयार हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल है एंड दिस इज 60 डिग्री का एंगल। और इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। Three sides and two angles are given. अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटर ड्रॉ करना है ट्रू, टी आर यू ई ट्रू, और टी आर आर यू यू ई तीन साइड गिवन है और वही दो एंगल्स हमें गिवन है। तो पहले एक रफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ट्रू सपोज कर लो टी आर यू एंड ई, this is quadrilateral true. TR given है 3.5, RU given है 3 centimeter, UE given है 4, angle U 120 और angle R 75, ये given है। तो वही चीज है कि हमें जिस साइड के दोनों एंगल्स गिवन है पॉइंट के, वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव टू ड्रॉ यू आर 3 centimeter। तो ये आपने एक लाइन सेगमेंट बना दिया पहले, यू आर 3 सेंटीमीटर। यू पे आपको 120 का एंगल बनाना है, यहां पे कंपास रख के आर्क लगा दो, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 और इस तरीके से आर्क खींच दो। उसके बाद यू से लेकर नहीं सॉरी आर पे 75 का एंगल है, आर्क लगा दो लाइक दिस 60 120, यहां पे रख के और फिर यहां पे रख के दिस विल बी 90 डिग्री
लेकिन हमें बनाना है 75 का, 75, 60 और 90 के इन बिटवीन आता है। तो जितनी कंपास आपकी खुली हुई है यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे लगा दोगे ऐसे, और फिर इस पॉइंट को आर के साथ कनेक्ट कर दोगे, इधर लगा देते हैं ठीक है ना, कंपास के साथ करोगे बिल्कुल सही बनेगा। तो दिस इज 75, दिस इज 120, ट्रू बनेगा। तो टी आर यू ई, यानी कि इधर ई पॉइंट आएगा, यू का ई से डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंपस रखोगे, 4 सेंटीमीटर खोलोगे और आर्क लगा दोगे लाइक दिस, दिस इज यू ई, दैट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आर से लेकर टी तक का भी आपको दिया हुआ 3.5, यहाँ पे कंपस रखोगे, 3.5 खोलोगे और ऐसे कट आउट कर दोगे, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, बाहर ही लिख दोगे आप। तो टी और ई पॉइंट मिल गए हैं, इनको क्या कर दोगे लाइक दिस ज्वाइन, और आपके पास क्वाड्रेंगल तैयार हो गया है टी आर यू ई, ट्रू इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज में ये जा रहा है, तो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 4.4 ही डन हो गई है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडीई।